हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक कमेंट आया है जी मेरी यूट्यूब वीडियो के ऊपर, कार कैसे लें। शायद इनको नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कार कैसे बाय करते हैं। आप भी सुन लीजिए, क्योंकि कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या क्या चीज़ें चेक होनी चाहिए उस टाइम के ऊपर और कहाँ से लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मशीनरी है, होने को तो नहीं भी ख़राब हो जाए। हमारे अक्सर माइंड में रहता है कि अगर हम पुरानी चीज़ ले रहे हैं तो क्या वो सही होगी या नहीं होगी। हम मैकेनिक लेके जाते हैं वहाँ पे उस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि ये डॉलर्स में बात हो रही है। और आपने इस कार को लॉन्ग लाइफ अगर चलाना है अच्छे तरीके के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूँ अपने लेंसर की, जब मैं नया आया था तब मैंने 5 दिन निकाले बिना कार के, समझो कि आपकी टांगे ही नहीं है। बिना कार के यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बता दूँ गाइस, ठीक है। मैं अपनी पहले जब मैं अकेला आया था तब तो मेरा कार के बिना सर गया। उस टाइम के ऊपर भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेरे को कार ड्राइविंग तो करनी आती है, और जो इंडिया का हिसाब है लेफ्ट साइड के ऊपर हम चलाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हिसाब है। मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपका चलान हो सकता है, आपको टिकट आ सकती है। तो मैंने उस वजह से जब मैं पहले आया था नवंबर 2019 में अपनी फैमिली के अलावा अकेला आया था, तब मैंने कार बाय नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मुझे कार रखने की जगह भी नहीं थी और मेरा ठिकाना भी नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब मैं आया दोबारा अपनी फैमिली को साथ में लेकर, तब मैंने कार ली। लेकिन कार कैसे लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे माइंड में भी था लॉन्ग लाइफ कार चाहिए, ये ना हो कि बाद में वो ख़राब हो जाए, खर्चा देना पड़े, बार बार वही घिसी पिटी लाइफ वही हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, एक्सपीरियंस किया, तो उसने मुझे कहा कि तू फेसबुक मार्केट से चेक कर सकता है, वहाँ पर आपको सारी कार्स मिल जाएंगी। मैं फेसबुक मार्केट के ऊपर चेक करने लग गया, मैंने 4 से 5 दिन लगाए, लेकिन मुझे मेरे बजट के अकॉर्डिंग कार नहीं मिल रही थी। कई बार मॉडल बहुत पुराना था लेकिन रेट ज़्यादा था, कई बार किलोमीटर ज़्यादा चले हुए थे रेट कम था। तो मैं ये चाहता था कि मुझे मेरी अकॉर्डिंग कार मिल जाए, हर कोई यही चाहता है कि कम चली हो कार लेकिन वो सस्ती मिल जाए। फिर मैंने एक, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक ऑडी का ऑप्शन था, एक लेंसर का ऑप्शन था। जो लेंसर की कार थी ये $12,000 में मिल रही थी मुझे, $12,000। तो ये जो कार थी ये मैंने डीलर से ली है। डीलर से लेने का बेनिफिट पता क्या होता है आपको, कि आप निश्चिंत होकर कार को चला सकते हो, क्योंकि डीलर जो होते हैं ऐसे वैसे नहीं है कि बेफालतू आपको बेच देंगे, उन्होंने सारी चीज़ें टेस्ट की होती हैं और आपको वो बीच में गारंटी भी देते हैं, और आपकी जो पेमेंट होएगी वो बाय अकाउंट होएगी। अगर कैश भी देते हो आपको वो रिसीट देंगे, इतना कैश तो चलो किसी को होता नहीं है, वो ट्रांसफर ही करते हैं, मैंने भी ट्रांसफर ही किया था, ठीक है। जब आप कार ले लेते हो आपको रिसीट मिल जाती है, और आप उस रिसीट का इनकम टैक्स में, अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस के ऊपर ली है, तो आपको क्लेम भी मिल सकता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो सारी पैसे का लेन देन होता है वो ज़्यादातर होता है अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ पर पैसे कैश जो है वो कम यूज़ करते हैं लोग, करने को तो करते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम यूज़ करते हैं। हर किसी के पास एटीएम होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एप्पल पे होता है, उससे लोग करते हैं, मैं भी वैसे ही करता हूँ, तो आप भी वो वैसा कर सकते हो। तो मेरी आपको यही सलाह है कि जब आप कार लो आप एक डीलर से लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फेसबुक मार्केट के ऊपर सारी कार्स गलत हैं, लेकिन फिर भी माइंड के ऊपर आ जाता है यार पता नहीं कैसी होगी। या आप ये कर सकते हो, आप मैकेनिक को लेके आ सकते हो, उसकी $50 से $100 फीस होती है, आप अपने मैकेनिक से बात करो कि चेक कर ले भाई ये गाड़ी, वो $50 से $100 लेगा और आप वो गाड़ी को कर सकते हो। और आप यकीन नहीं मानोगे, कोरोना टाइम के ऊपर गाड़ियों की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि जहाँ पर मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना वो सारी एक्सपोर्ट होकर आती हैं, यहाँ पर नहीं मैन्युफैक्चर होती जो बाहर से आती हैं। और एक एक गाड़ी की जो वेटिंग है अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम के ऊपर 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में चल रही थी, और इससे ज़्यादा भी। मैंने अपनी गाड़ी ली है, अपनी आउटलैंडर आपने देखा होगा, मैंने फरवरी में ली थी, और ये गाड़ी मैंने ली थी माउंट गैम्बियर से, यहाँ से 5-6 घंटे की दूरी के ऊपर आता है माउंट गैम्बियर, और 2020 मॉडल लिया था मैंने। अब अगर आप सोचोगे कि इतनी दूर क्यों गया तू,
क्योंकि मुझे नीड थी, एक गाड़ी जो थी, अब यहाँ पर मेरी वाइफ काम करने लगी थी, उसको चाहिए थी, इनायत को छोड़ना लेके आना या कोई और काम पड़ जाता है तो आपको जितने बंदे उतनी गाड़ियाँ चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपने ये गाड़ी जो है ध्यान से देखनी है, टच वुड ना लैंसर में अभी तक प्रॉब्लम आई है, लैंसर इतनी अच्छी गाड़ी लगी है मुझे, अचानक मुझे मिल गई, डीलर से मैं गया, डीलर के पास ये गाड़ी भी मैंने अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से लेकर एक घंटे की दूरी के ऊपर कार डीलर था, लोकल नहीं मैं गया क्योंकि मुझे पता ही था। हम तीनों गए थे, यहाँ से पहले ट्रैम पकड़ी, ट्रैम से मैं पैदल गया 1 किलोमीटर, वहाँ पर जाकर चेक किया गाड़ी, नया था, मुझे क्या पता था कि कैसे होती है कैसे नहीं होती, पर यह पता था कि जो डीलर होता है वो आपको सही तरीके के साथ गाड़ी देगा ही देगा। थोड़ी सी महंगी गाड़ी मिल जाती है लेकिन आपका जो क्या नाम है, जो टेंशन है ना कि पता नहीं सही होगी या नहीं होगी, वो सही हो जाएगी, मतलब वो इतनी रही नहीं रहेगी। तो ये गाड़ी लैंसर जो है वो भी मैंने दूर से ली थी, लोकल नहीं ली, और ये माउंट गैम्बियर से ली इतनी दूर। हालांकि जो माउंट गैम्बियर से मैंने गाड़ी ली है उससे, वो भी डीलर था, मित्सुबिशी का डीलर था, उसने मुझे कहा था कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर लेते हो ना किसी डीलर से तो आप वो गाड़ी सही होती ही है। मैंने अब ये गाड़ी जो थी सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली थी, जो आउटलैंडर है, ठीक है, तो ये उसी 2020 मॉडल, और जो मैंने अभी पैसे खर्च किए हैं इसके ऊपर, राइट, वही मुझे यहाँ पर लोकल 2019 मॉडल मिल रहा था, वो भी 45,000 चली हुई थी। तो मतलब 6 घंटे की दूरी मुझे लगी, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 खर्चा हुआ था। कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे एक बार अच्छे तरीके के साथ खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बजाय इसके कि बार बार पैसा गाड़ी के ऊपर खर्च करें। तो यहाँ पर आप फाइनेंस भी करा सकते हो गाड़ियाँ, एकदम सारे पैसे भी दे सकते हो। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि जब आप कार लेने जाओ ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पर भी, तो यहाँ तो अगर आप फेसबुक मार्केट के ऊपर आपको कार नज़र आ जाती है, आप अपना बजट चेक करिए आपने किस पर्पज़ के लिए लेनी है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो चलती हैं ऑटोमेटिक, यस, मैनुअल भी चलती है, मैनुअल थोड़ी सस्ती होती है और ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ी महंगी होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी ही लो, अगर आपका बजट नहीं है तो मैनुअल ले सकते हो। पहले आप अपना बजट चेक करिए आपने किस पर्पज़ के लिए लेनी है। अब इतनी बड़ी गाड़ी आउटलैंडर आप ऊबर ईट्स के लिए थोड़ा लोगे, ऊबर ईट्स के लिए आप इकोनॉमिक गाड़ी लोगे, अपने आने जाने के लिए इकोनॉमिक गाड़ी ले लो, छोटी वाली डैड से हमने अभी लोगों को नहीं दिखाना है, पैसे इकट्ठे करो शुरू टाइम के ऊपर। अब पहले मैंने लैंसर ली थी, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैंने आउटलैंडर ली, आउटलैंडर बड़ी गाड़ी है, राइट, 7 सीटर मैंने ली। तो धीरे धीरे जब थोड़े से पैसे जोड़ के आप उसको कर सकते हो, राइट। अगर आपके इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।